नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इग्नू स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आपका सबसे बड़ा डाउट क्लियर करने कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर और फाइनल ईयर के एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे। जो है फाइनल ईयर को, जैसे आपको पता है कि आपके सामने मैंने एक पहले वीडियो बना दी थी कि फाइनल ईयर की जो है वो डेट शीट आ चुकी है, मतलब जो है उन्होंने डेट दे दी है कि 3 जो है तारीख से जो एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे। दोस्तों, तो आपके सामने पहले मैं उसका नोटिस दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये उसका है दोस्तों। फिर हम आपको बताएंगे कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के लिए क्या इन्फॉर्मेशन है, हमारी तरफ से हम आपको क्या जानकारी दे सकते हैं कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर प्रमोट होंगे या नहीं होंगे। हमें जो चांस लग रहा है वो जो है 90% जो है 95% चांस लग रहा है कि प्रमोट होंगे। कैसे लग रहा है वो हम आपको बता देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो आपके सामने जो फाइनल ईयर की डेट शीट, जो फाइनल ईयर का जो एग्ज़ाम करवाने का नोटिफिकेशन दे दिया था यहाँ पे कि नोटिफिकेशन द टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2021 ऑफ यूनिवर्सिटी विल बी कंडक्टेड 3 अगस्त 2021 टू फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑफ अंडर ग्रेजुएट, जो बी ए या बी कॉम या जो भी डिग्री के अंदर हैं ग्रेजुएशन के अंदर, अगर उनका फाइनल ईयर है तो उनके एग्ज़ाम एंड पोस्ट ग्रेजुएट पीजी जो उनके सेकंड ईयर जो फाइनल ईयर के अंदर उनके, और जो भी जितने भी जिनके बैकलॉग हैं, मतलब जिनके कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम हैं उनके भी हो सकते हैं। एंड दोस्तों, क्या है कि द एग्जामिनेशन ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, और जो डिप्लोमा है, कोई भी डिप्लोमा है या पोस्ट ग्रेजुएट का डिप्लोमा है या सर्टिफिकेट है, तो दोस्तों जो 6-6 महीने एक एक साल या 3-3 महीने के दोस्तों, उनके एग्ज़ाम जो है 3 तारीख से जो स्टार्ट होंगे दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अगर किसी ने अभी तक एग्ज़ाम फ़ीस नहीं भरी है तो अपनी एग्ज़ाम फ़ीस अप्लाई कर ले दोस्तों। तो डेट शीट भी अदर डिटेल नोटिफाई शॉर्टली, तो जल्दी ही जो है डेट शीट है वो साइट पर अपलोड कर दी जाएगी। तो दोस्तों, फाइनल ईयर वन हो के तो कन्फर्म हो चुका है कि एग्ज़ाम होंगे कब से, 3 तारीख से। अब हम आपको बताने वाले हैं कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए क्या रहेगा। तो दोस्तों, हम आपको लेके चलते हैं जो पिछले साल प्रमोट हुए थे उस नोटिस पे, कि उस नोटिस में क्या बताया गया था। तो दोस्तों, उस पे लेके चलते हैं, आप एक मिनट रुकिए, हम आपको दिखाने जा रहे हैं। मैं आपके सामने सारी चीज़ लाइव ही करूँगा दोस्तों। यहाँ पे आपके सामने देखिए नोटिस था, कब का है दोस्तों, दिसंबर 10, 2020 का, कि जो कि प्रमोट किए थे या सिस्टम जो भी रहा था उनके लिए जी, कि कौन कौन स्टूडेंट प्रमोट हुए हैं कौन कौन नहीं, तो उसके लिए जो नोटिस आया था वो दोस्तों ये है कि ये देखिए दोस्तों आपके सामने, मॉडलेटेड ऑफ प्रमोशन टू इंटरमीडिएट ईयर सेमेस्टर अंडर द यूजी प्रोग्राम द जून 2020 एग्जामिनेशन, जो दून जो 2020 के अंदर जो बच्चे प्रमोट हुए थे उनके लिए क्या सिस्टम बनाया था दोस्तों उन्होंने। उन्होंने यही कहा था कि जो फर्स्ट ईयर के है या फिर सेकेंड ईयर के है, उन बच्चों को उन्होंने प्रमोट कर दिया था दोस्तों। उन्होंने ये भी दिया था, आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, आपके सामने ये सारी चीज़ें दी थी कि जुलाई 2019 के अंदर जिनका एडमिशन है तो उनके दोस्तों सेशन है, या जनवरी 2020 का सेशन है, जो फर्स्ट ईयर और जो सेमेस्टर वाइज का सिस्टम है उनको तो सेमेस्टर सिस्टम से पास कर दिया था, कि जिनका जनवरी 2020 का एडमिशन था तो उसको 6 महीने का सेमेस्टर बनता है, तो दोस्तों वो जुलाई 2020 के अंदर उनके एग्ज़ाम होने थे तो उनको प्रमोट कर दिया था। जैसे कि इसके अंदर क्या है, MBA ये सब चीज़ हो गया दोस्तों, और जो और जिनका जुलाई 2019 के अंदर एग्ज़ाम हुआ था उनका साल पूरा हो गया था, कब हो गया था जो है जुलाई 2020 के अंदर, तो उनको प्रमोट कर दिया था दोस्तों। दो प्रोविजन फिड नॉट बी अप्लाइड दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही होगी, ये सारी चीज़ें कि अंडर ग्रेजुएट के अंदर है, ग्रेड इन फर्स्ट ईयर के अंदर है, ये है यहाँ पे आपको, अगर आपको ये चाहिए तो मैं आपको सेंड कर दूंगा दोस्तों, जिसको भी चाहिए आप बता देना। अब हम आपको बताते हैं कि क्या चांस है कि अब की बार फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के जो है एग्ज़ाम होंगे या फिर प्रमोट होंगे। तो दोस्तों, हमारे ये कहना है कि हमारे हिसाब से जो है 90% क्या होंगे, जो आप स्टूडेंट प्रमोट होंगे जो है फर्स्ट ईयर के, जो है 90% चांस है कि वो बच्चे प्रमोट होंगे। कैसे लगता है? तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि जो एग्ज़ाम है वो जो जून सेशन के एग्ज़ाम है उनके एग्ज़ाम कब होते हैं दोस्तों, वो जून से स्टार्ट हो जाते हैं और जुलाई तक एंड हो जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, कॉमन सेंस की बात है कि जून से जो है स्टार्ट होते हैं और जुलाई से इन्हें ख़त्म करना होता है, क्योंकि रीज़न क्या रहता है कि जुलाई सेशन हो गया, उसके बाद में अगर वो जुलाई तक ख़त्म नहीं करते हैं तो क्या होता है दोस्तों,
कि आगे जो है जो जनवरी सेशन है दोस्तों, जो जनवरी सेशन में जिन बच्चों के एडमिशन हुए थे दोस्तों, उनका क्या स्टार्ट हो जाता है, उनके असाइनमेंट स्टार्ट हो जाते हैं अगस्त मंथ से, उनकी एग्ज़ाम फीस स्टार्ट हो जाती है अगस्त मंथ से, उनके प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाते हैं अगस्त मंथ से, उनके री रजिस्ट्रेशन के स्टार्ट हो जाते हैं अगस्त मंथ से। तो दोस्तों ये सब चीज़ें अगस्त मंथ से जनवरी वालों की स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन ये देखिए कि जनवरी वालों के स्टार्ट तो तभी होनी है, लेकिन यूनिवर्सिटी ने अभी क्या किया है, यूनिवर्सिटी ने क्या किया है कि 3 अगस्त से जो है फाइनल ईयर के एग्ज़ाम दे दिए उन्होंने। तो ये आप सोच सकते हो कि लगभग जो यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम है वो हम जानते हैं कि 1 महीने से लेके जो है 45 दिन जो है मिनिमम इतने दिन एग्ज़ाम चलेंगे दोस्तों, 1 महीने से लेके जो है 45 दिन तक जो मिनिमम एग्ज़ाम चलेंगे, इतने उन्हें डेट शीट बनानी पड़ेगी, क्योंकि इग्नू के अंदर इतने सब्जेक्ट हैं और इतने कोड हैं कि उन्हें उस हिसाब से एडजस्टमेंट करने के लिए। और जो आने वाले एग्ज़ाम है, जैसे कोई किसी भी यूनिवर्सिटी का, जैसे आप देख रहे हो कि सेंटर के एग्ज़ाम है, उस दिन तो वो एग्ज़ाम नहीं रख सकते, क्योंकि लगभग ये पॉलिसी होती है कि 2 एग्ज़ाम एक साथ में नहीं रख सकते, क्योंकि उसके पीछे रीज़न रहता है कि ऐसा आप डेट शीट नहीं दे सकते। तो दोस्तों आप सोचिए कि अगस्त तक जो है 3 अगस्त से लेके 1 महीना 45 दिन, हम मानते हैं चलो 45 दिन मान लेते हैं मिनिमम, 2 महीने तक भी एग्ज़ाम चलते हैं इग्नू के, तो क्या हो गया दोस्तों, आपको देख रहे हैं कि 10वां महीना आ गया, 10वां महीना जो है वो आ गया दोस्तों। तो दोस्तों 10 महीने हो गए, उसके बाद में अगर डेट शीट देते हैं, या फिर उसके बाद में अगर ये क्या करते हैं एग्ज़ाम के लिए नोटिफिकेशन निकालते हैं, तो आप सोच कर चलिए दोस्तों कि 10वें महीने में नोटिफिकेशन जो है जुलाई सेशन वालों का निकालेंगे, या फिर जो जनवरी सेशन वाले हैं उनका निकालेंगे, क्योंकि जनवरी सेशन वालों के है जो है उनका 10वें महीने के अंदर क्या होता है, री रजिस्ट्रेशन हो गया होता है, एग्ज़ाम फीस भी भरा ली जाती है, और एग्ज़ाम की डेट शीट भी आनी हो जाती है लगभग जो है एंड तक, 10वें महीने के एंड तक क्या होता है दोस्तों, उनकी ये डेट भी आ जाती है। तो आप सोच कर चलिए दोस्तों कि जब ये सब चीज़ें जनवरी सेशन वालों की होगी या फिर जुलाई सेशन वालों की, दोस्तों अगर यूनिवर्सिटी को एग्ज़ाम लेने होते, ये हमारा सोचने का है तरीका है कि हम ऐसे सोच सकते कि अगर यूनिवर्सिटी को एग्ज़ाम लेने होते, अगर यूनिवर्सिटी को एग्ज़ाम लेने होते तो वह अभी फाइनल ईयर के साथ ही ले लेती एग्ज़ाम, फाइनल ईयर के साथ ही एग्ज़ाम ले लेती। अब वो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर को कहीं ना कहीं एक साइड में छोड़ रही है, तो 100% न तो नहीं कह सकते हम, 95% तो उनके मन में विचार है कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर को हम प्रमोट करेंगे दोस्तों। अब सबसे बड़ा कारण और रह जाता है, जहाँ तक हमारा सोचना है कि कुछ ना कुछ उन स्टूडेंट के लिए जो है दुविधा आ सकती है सेकंड ईयर वालों के लिए। क्या दुविधा आ सकती है दोस्तों, क्योंकि जो प्रेजेंट में अब सेकंड ईयर के एग्ज़ाम देंगे वो बच्चे वही हैं जो फर्स्ट ईयर में भी प्रमोट हुए थे। तो सोचने की बात है, क्या यह झोल नहीं हो जाएगा कि कोई बच्चा बिना एग्ज़ाम दिए एक साल भी क्लियर कर गया, बिना एग्ज़ाम दिए सेकंड ईयर भी क्लियर कर लिया, अब उसे सिर्फ एक बार एग्ज़ाम लेकर उसे ग्रेजुएशन मिल जाएगी, तो दोस्तों यह सबसे बड़ा झोल हो जाएगा। तो उसके लिए ज़रूर, जहां तक हम सोच रहे हैं, यूनिवर्सिटी कोई ना कोई फंडा निकाल सकती है, या फिर जो अगर यूनिवर्सिटी प्रमोट के लिए सोचेगी या फिर कोई और चीज़ फंडा लाएगी, तो उसे जो है ऊपर से जिस प्रकार से UGC से जो भी गाइडलाइंस मिलते हैं या जो भी आदेश मिलते हैं उनका सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों हमारा ये मानना है कि 95% जो है वो फर्स्ट ईयर और जो है सेकंड ईयर के प्रमोट होंगे दोस्तों। दोस्तों आपका मानना क्या है, आपका अनुमान क्या लगता है, हमारे विचार तो हमने आपके सामने साझे कर दिए, अब आपका विचार क्या कहता है आप हमें कमेंट द्वारा ज़रूर साझा करें। और दोस्तों अगर आप हमारे जो है ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, दोस्तों अगर आप हमारे इग्नू के ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, तो आपको नंबर दिखाई दे रहा है 99 931 31 109। दोस्तों मेरा नाम संदीप वर्मा है, आप मेरे साथ
ग्रुप में जुड़ सकते हैं। इस नंबर पे आप मैसेज करें हेलो ज्वाइन ग्रुप लिखकर, आपके पास लिंक आ जाएगा तो आप स्टडी के लिए जो भी ग्रुप ज्वाइन करना चाहें वो कर सकते हैं दोस्तों। और अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इग्नो स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर प्रकार की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि सभी बच्चों के डाउट्स क्लियर हो सके और वो है अपनी तैयारी वगैरह कर सकें दोस्तों। और सबसे ज़रूरी बात दोस्तों कि प्रमोट कौन होंगे, अगर प्रमोट होते हैं तो कौन होंगे। कुछ बच्चों के ये डाउट रहता है कि सर अगर हम प्रमोट हो गए तो दोस्त कि मैं फ़ीस भरूं, और अगर हम प्रमोट हो गए तो सर फीस तो वैसे ही लग जाएगी। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है दोस्तों कि अगर आप एग्ज़ाम फीस भरोगे तो ही आप प्रमोट हो सकोगे। रीज़न क्या रहता है दोस्तों कि अगर आपने एग्ज़ाम फीस भरी है तो इसका मतलब ये है तो ही आप जाने जाते हो कि आपने एग्ज़ाम देने में आप इंटरेस्टेड थे, आप एग्ज़ाम देने वाले थे, इसीलिए ही यूनिवर्सिटी आपको प्रमोट कर सकती है। अगर आपने एग्ज़ाम फीस नहीं भरेगी तो यूनिवर्सिटी कहेगी तेरा तो मूड ही नहीं था एग्ज़ाम देने का, तो तू प्रमोट कहाँ से हो जाएगा बच्चा। तो दोस्तों आपको इसलिए ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी, एग्ज़ाम फीस ज़रूर भरें। जिसकी एग्ज़ाम फ़ीस भरी होगी वही स्टूडेंट अगर यूनिवर्सिटी प्रमोट करती है तो वही स्टूडेंट ओनली प्रमोट होगा दोस्तों। तो दोस्तों आप कृपया अपने सजेशन के हिसाब से भी हमें कमेंट जरूर करें, और दोस्तों तैयारी आप ज़रूर करते रहें, क्योंकि अगर एग्ज़ाम ना होंगे तो क्या हुआ, यह आपकी पढ़ाई वेस्ट नहीं जाएगी कहीं पे भी। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो भी आपके जो है ये पढ़ाई है आगे आएगी, आपको सभी एग्ज़ाम कंपटीशन एग्ज़ाम हो गए या फिर आपका मास्टर डिग्री के अंदर आपने लेना है एडमिशन उनके अंदर आपका हो गया, हर जगह स्टडी कोई भी की हो वो काम आती है दोस्तों। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी ये वीडियो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, और आप हमारा यूट्यूब चैनल इग्नो स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं आपका दोस्त डॉक्टर सनी वर्मा आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।